हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल कोरमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इसके लिए आप एक पैन लें, इसमें लगभग तीन चम्मच आप इसमें रिफाइन ऑयल डालें। तेल गरम हो जाए तो इसमें चॉप्ड ओनियन डालें। मैंने दो ओनियन लिया है। और ओनियन को लाइट ब्राउन कलर आने तक इसे सॉटे करें। ये देखिए कलर आ गया है। अब इसमें आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें करीब 1.5 चम्मच, और इसको हल्का 1 से 2 मिनट तक इसे इसी तरह से सॉटे करें ताकि उसका रॉ फ्लेवर चला जाए। ये देखिए, अब इसमें सिनेमन स्टिक डालें और कार्डमम डालें, दालचीनी और इलायची। अब इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच। यह लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, और इसे भी हल्का सॉटे करें। थोड़ा पानी डाल दें ताकि ओनियन थोड़ा गल जाए। इस तरह से चलाएं, और उसके बाद आप इसमें ग्रीन चिली डाल लें। थोड़ा काट कर ग्रीन चिली इसमें डाल लें। हरी मिर्च, मेरे पास हरी मिर्च का जो लाल कलर आ जाता है वो वाला मैंने डाल लिया है। अब इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। वेजिटेबल में मैंने लिया है बैंगन, आलू और मशरूम और बीन, मैंने ये लिया है। सब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने लिया है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप इसे ले लें। फिर से एक बार, बैंगन लिया है, आलू लिया है, मशरूम लिया है और बीन लिया है। अब इसमें नमक डालें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप वेजिटेबल्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लें और क्वांटिटी भी अपने हिसाब से ले लें जितना आपको बनाना है। अब इसे थोड़ा सा इसमें सॉटे करें करीब 1 से 2 मिनट। मसाले को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। उसके बाद आधा ग्लास या आधा कप जो भी है आपका, उसमें पानी डाल लें। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी गल जाएगा। वेजिटेबल के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल लें और इसे ढककर 15 मिनट तक धीमी आँच पर गलने दें। बीच में 10 मिनट के बाद आप चेक करें क्या गला है कि नहीं, क्योंकि आलू कभी कभार जल्दी गलता नहीं है, तो आप इसे चेक कर लें कि आलू गला है कि नहीं। मुझे लगता है कि नहीं गला है अभी आलू, थोड़ा और गलना है। तो आप फिर से इसे 5 मिनट और ढककर रखती हूँ। 5 मिनट और इसे मैं गलाऊंगी, धीमी आँच पे इसे गलाऊंगी मैं 5 मिनट। तब तक आलू गल जाएगा। ये देखिए पूरा 15 मिनट लगा है। 15 मिनट के बाद जब आलू गल गया है, आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे, जो एक्सेस पानी है उसे भी आप एवेपोरेट कर लें, सुखा लें। यहाँ पर फ्लेम हाई कर लें और जो एक्सेस वाटर है इसको एवेपोरेट कर लें। ये देखिए पानी सूख गया है। देखिए इस तरह से पानी ड्राई हो गया है। अब आप फ्लेम को ऑफ कर लें और इसे करीब 50% ठंडा होने तक रखें। 50% ठंडा हो जाने के बाद आप इसमें कर्ड डालें, या योगर्ट है तो योगर्ट डालें, प्लेन योगर्ट। मैंने आधा कप डाला है। इसे अभी फ्लेम ऑन नहीं करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
कर्ड को अच्छी तरह से, क्योंकि ये फिर फटेगा नहीं। कर्ड को मिलाने का यही एक तरीका है जिससे फटता नहीं है। अब इसमें आप 1 चम्मच गरम मसाला डालें, पाउडर इसी वक्त डाल लें, फिर इसे मिक्स करें। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके अब फ्लेम को ऑन करना है और लो फ्लेम पे इसे रख लें। करीब 2 मिनट तक इसे रखें। ये देखिए, इस तरह से जब दही या प्लेन योगर्ट जो भी आप ले रहे हैं अगर मिक्स हो जाता है, इस तरह से मिक्स करना है, पकाना है इसे। उसके बाद क्रीम डाल लेना है इसमें, करीब 1 चम्मच। क्रीम ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे इसका टेक्सचर थोड़ा क्रीमी और थिक लगता है। इसमें वाटर की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा ग्रेवी इसकी थिक बनती है, तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शनल है। क्रीम को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे लो फ्लेम करके इसे 5 मिनट और इसे करना है। उससे पहले थोड़ा धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए डाल लें, या नहीं तो फिर सर्विंग के टाइम पे भी डालें। या मैंने डाल लिया है, थोड़ा धनिया पत्ती डालना है, थोड़ा सर्विंग के टाइम पे डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और 5 मिनट तक धीमी आंच पे रखें। ये देखिए, वेजिटेबल कोरमा हमारा बनके रेडी हो गया है। आप इसे चलाएं, देखें, कोई भी वेजिटेबल चूर नहीं हुआ है, मैश ही नहीं बना है, सब है। इस तरह इसका ध्यान रखना है आपको। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए, वेजिटेबल कोरमा बनके रेडी हो गया है। ये टेस्टी लगता है खाने में। इसे आप चावल और रोटी दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसे ट्राई करें और अपने कमेंट, मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। थैंक यू।